बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की कवायद लगभग पूरी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सूची लगभग तैयार। मॉनसून सत्र के दौरान जल्द ही वर्किंग कमेटी की लिस्ट जारी होगी। इस दौरान सभी नेता और सांसद दिल्ली में रहेंगे। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी में कई नए चेहरों को मौका मिलने वाला है। राजस्थान से भी कई नेताओं को मौका मिलेगा। राजस्थान के कुछ नेता इसमें रिपीट होंगे तो कुछ लोगों के टिकट भी कटेंगे। तो राजस्थान के कई नेताओं को इसमें मौका मिलने वाला है। जल्द ही ये लिस्ट जारी होगी, सीडब्ल्यूसी की ये लिस्ट, जिसे जल्द ही जारी कर दिया जाएगा और इसमें कई चेहरों को मौका दिया जाना है। राजस्थान से भी कई नेताओं को मौका मिलना है, कुछ को रिपीट किया जाएगा तो कुछ लोगों के टिकट कटेंगे। राजस्थान के कुछ नेता इसमें रिपीट होंगे। तो ये वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो लिस्ट है उसकी कवायद लगभग पूरी हो गई है। और दिल्ली से कनिका कटियार हमारे साथ खबर पर जुड़ गई हैं। कनिका, क्या कुछ जानकारी है, कब तक ये सूची जारी हो सकती है? देखिए, बिल्कुल, अब कांग्रेस पार्टी जो है सीडब्ल्यूसी की जो कवायद चल रही थी उसको लगभग पूरा कर चुकी है। कई नामों पर जो है मोहर लग चुका है, कई नामों पर मोहर लगना बाकी है। देखिए, कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो विपक्ष दलों की बैठक 17-18 तारीख को बेंगलुरु में होनी है, उस बैठक के बाद जब मानसून सत्र की शुरुआत होगी 20 तारीख से, उस दौरान जो है सीडब्ल्यूसी की जो लिस्ट है वो औपचारिक रूप से ऐलान हो सकती है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार किन को जगह मिली और किन को जगह नहीं मिली, तो उसको लेकर भी जो है अभी एक्सरसाइज चल रही है। ऑलमोस्ट जो है 90% लोगों के नाम जो है सीडब्ल्यूसी में तय कर दिए गए हैं। 10% जो लोग बचे हुए हैं उनके नामों पर लगातार जो है कांग्रेस महासचिव जेपी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो मंथन कर रहे हैं। और बहुत जल्द कहा जा रहा है कि मानसून सत्र के दौरान जब दिल्ली में सभा में मौजूद रहेंगे उस दौरान जो है सीडब्ल्यूसी की जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है। कनिका, क्योंकि इसमें बताया जा रहे हैं कि बहुत सारे राजस्थान के भी नेता होंगे, कुछ उसके बारे में जानकारी, और कई जो है रिपीटेशन भी बताया जा रहा है, कई के टिकट कटेंगे ये भी कहा जा रहा है। देखिए, साफ तौर पर हम राजस्थान से बात करें तो राजस्थान के कई नेता जो है वो इस सीडब्ल्यूसी के अंदर शामिल होंगे। जैसे सचिन पायलट की चर्चा चल रही है कि सीडब्ल्यूसी में सचिन पायलट को लेकर आया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी को जगह मिल सकती है। उसके अलावा जो है कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला को जगह मिल सकती है, जो की खुद राजस्थान सांसद है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम और जो नेता है उनको लेकर भी लगातार जो है कवायद चल रही है, चर्चा चल रही है। लेकिन अभी औपचारिक रूप से किसका नाम आया है किसका नाम नहीं आया इसको लेकर कोई खबर नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कई लोगों के नाम जो है वो इसमें रिपीट होंगे और कई ऐसे नाम है जिनका जो है टिकट कट सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छा फीडबैक नहीं आया है। और इस चलते जो है कांग्रेस पार्टी जो है सीडब्ल्यूसी में उनके नामों पे जो है चर्चा बंद मोहर खत्म कर सकती है। वहीं एक और समीकरण जो है आगामी दिनों में किसी विधानसभा चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं, तो उसमें जाति समीकरण को मद्देनजर रखते हुए भी जो है सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स को बनाया जाएंगे, ताकि वो अपने अपने क्षेत्र के जो लोग हैं, अपने अपने जाति के जो लोग हैं। और इसलिए हो सकता है राजस्थान पे भी फोकस किया जाएगा क्योंकि आगामी समय में चुनाव भी है। बहुत बहुत शुक्रिया कनिका, तमाम जानकारी के लिए।